हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका शर्मा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों के मौसम में स्किन से रिलेटेड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है ड्राई स्किन की। सर्दियों के मौसम में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और अगर हम अपनी स्किन की अच्छे से केयर नहीं करती हैं तो ये जो ड्राइनेस है ये रैशेज में भी बदल जाती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी विंटर स्किन केयर रूटीन और कुछ एक आइडिया शेयर करने वाली हूँ। हम लोग DIY प्रोडक्ट्स भी बनाएंगे। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात है अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना, चाहे गर्मी हो या फिर सर्दी। अगर हम अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेटेड नहीं रखते हैं तो इससे हमारी स्किन ड्राई हो सकती है। और बॉडी को हाइड्रेटेड रखने का सबसे आसान तरीका है वाटर इनटेक। तो आपको एक दिन में एटलीस्ट 8 से 10 गिलास पानी के ज़रूर पीने हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो सर्दियों के मौसम में भी मैं 8 से 10 पानी के गिलास ज़रूर पीती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप ठंडा ही पानी पिएं, आप पानी को थोड़ा सा हल्का सा ल्यूकवॉर्म कर सकते हैं, बट पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है और इससे स्किन भी ड्राई नहीं होती। इसके बाद हम बात करते हैं क्लिंजर्स की। तो मार्केट में वैरायटी ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल हैं, आप किसी भी ब्रांड का क्लिंजर यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में अपनी स्किन को डीप क्लीन करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ मिल्क, क्योंकि मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड जो हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक बोल में थोड़ा सा मिल्क ले लें और इसमें एक कॉटन बॉल डिप कर लें। अब इसे अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लें। मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है तो गर्मियों के मौसम में मैं मिल्क का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि इससे मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली हो जाती है। बट सर्दियों के मौसम में अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए मैं रोज़ाना मिल्क का ही इस्तेमाल करती हूँ। मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है जो हमारी स्किन को डीप क्लीन करता है। मिल्क हमारी स्किन को क्लीन करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बना देता है और इससे ड्राई स्किन की प्रॉब्लम भी नहीं आती है। अपने पूरे फेस पर अप्लाई करने के बाद अपनी फेस की थोड़ी सी मसाज कर लें, फिर नॉर्मल वाटर से इसे वॉश कर लें। दूध सभी के घरों में अवेलेबल होता है और अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए आपको 1 या 2 चम्मच दूध ही चाहिए होंगे। तो सर्दियों के मौसम में अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए आप दूध का इस्तेमाल ज़रूर करें। अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए अगर आप दूध का इस्तेमाल सिर्फ एक दिन करते हैं तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, बट अगर आप ये चीज़ रोज़ाना करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। तो सर्दियों के मौसम में अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए दूध का इस्तेमाल रोज़ाना करें। सर्दियों के मौसम में हमारी स्किन तो ड्राई होती ही है, बट स्किन से भी ज़्यादा ड्राई होते हैं हमारे लिप्स। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बार बार अपनी टंग से अपने लिप्स को टच करते हैं, लिक करते हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, इससे आपके जो चैप्ड लिप्स हैं वो और भी ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। तो आपको सिंपली करना क्या है, अपने किचन में जाना है और दूध के ऊपर जो मलाई लगी होती है उसे आपको निकालना है और एक बोल में डालना है और सिंपली अपने होठों पर अप्लाई करना है। इससे आपके होंठ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। सर्दी हो या गर्मी, अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे सारे डेड स्किन सेल्स निकल जाते हैं और ड्राई स्किन की प्रॉब्लम भी नहीं आती। तो इसके लिए भी मैं अपनी किचन की चीज़ें ही यूज़ करती हूँ। और आज जो फेस स्क्रब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये विंटर सीजन के लिए बेस्ट फेस स्क्रब है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, 1 या 1.5 चम्मच चीनी ले लें और इसे अच्छे से पीस लें, ताकि जब हम इससे स्क्रबिंग करें तो ये हमारी स्किन को नुकसान ना पहुंचाए। जैसे ही चीनी अच्छे से पिस जाती है इसमें ऐड कर लें 2 चम्मच कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। और साथ ही इसमें ऐड करें 1 चम्मच लेमन जूस। लेमन जूस हमारी स्किन की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, बट अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप लेमन जूस का इस्तेमाल ना करें। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। जैसे ही मिक्सिंग हो जाती है इसे अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लें और अच्छे से अपने फेस की स्क्रबिंग करें। स्क्रबिंग करते समय आपको एक बात का ध्यान देना है कि आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है। अगर आप ज़रा सा भी प्रेशर लगाते हैं तो इससे आपकी स्किन को नुकसान पहुंच सकता है। तो आप बिल्कुल हल्के हाथों से अपने फेस की स्क्रबिंग करें। और ये जो स्क्रब मैंने आज आपके साथ शेयर किया है इसे आप अपनी पूरी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे सारे डेड स्किन सेल्स निकल जाती हैं और स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि हमने इसमें कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया है। 5 मिनट तक अच्छे से स्क्रबिंग करने के बाद नॉर्मल वाटर या ल्यूकवॉर्म वाटर से अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर लें। तो सर्दी हो या गर्मी, मैं हफ्ते में एक बार अपनी स्किन को ज़रूर एक्सफोलिएट करती हूँ, इससे सारी डेड स्किन सेल्स निकल जाती हैं। और इसके लिए मैं DIY प्रोडक्ट्स ही यूज़ करती हूँ। तो मेरी तरह आप भी घर की चीज़ों से ही अपनी स्किन की अच्छे से एक्सफोलिएशन कर सकती हैं। और ये जो स्क्रब मैंने आज आपके साथ शेयर किया है ये विंटर सीजन के लिए परफेक्ट है, क्योंकि इससे हमारी स्किन ड्राई नहीं होती और इसे लगाने के बाद हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और रेडिएंट हो जाती है।
सर्दियों के मौसम में हमारा मन बहुत गर्म गर्म पानी से नहाने का करता है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बट आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जितना गर्म पानी अपनी स्किन पर यूज़ करते हैं आपकी स्किन उतनी ही ज़्यादा ड्राई होती है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको ठंडे पानी से नहाना है, आप पानी को हल्का गर्म कर लें और वही वाटर आप अपनी स्किन पर यूज़ करें। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी अपनी स्किन पर यूज़ करते हैं तो इससे आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, तो आपको नहाने के लिए ल्यूकवॉर्म वाटर यूज़ करना है। सर्दियों में हमारी स्किन को स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, तो इसलिए मैं फ़ेस पैक्स भी बनाकर लगाती हूँ और एक महीने में मैं 2 बार फेस पैक्स बनाकर लगाती हूँ। और इन पैक्स को बनाने के लिए मैं डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करती हूँ। और आज जो फेस पैक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और इससे ड्राई स्किन की प्रॉब्लम भी नहीं आती है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इस पैक को बनाने का पहला इंग्रेडिएंट है तुलसी लीव्स और बेसिल लीव्स। बेसिल लीव्स हैव न्यूमरस हेल्थ एंड ब्यूटी एडवांटेजेस। इट कंटेन वाइटल ऑयल जिससे हमारी स्किन बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज होती है और इससे ड्राई स्किन की प्रॉब्लम भी नहीं आती। तो आपको 10 से 15 तुलसी के पत्ते लेने हैं और इन्हें एक ब्लेंडर के जार में डालना है और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें और इन्हें अच्छे से पीस लें। इसके बाद इसमें ऐड करें हनी। हनी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे हमारी स्किन बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज होती है और ड्राई स्किन की प्रॉब्लम नहीं आती। अब इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें और अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लें। और अपने फेस पर लगाने के साथ साथ आप इसे अपनी पूरी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। अपनी स्किन पर इसे लगाने से पहले मेक श्योर कि आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन हो, आपने कोई मॉइस्चराइज़र या क्रीम ना लगाई हो। अब इसे अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लें। अपने फेस पर लगाने के साथ साथ आप अपनी लेग्स, आर्म्स और हैंड्स पर भी इसे यूज़ कर सकती हैं, ये हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज़ करता है। अब इसे एटलीस्ट 15 मिनट या जब तक ये सूख ना जाए तब तक अपनी स्किन पर इसे लगा रहने दें। जब ये पूरी तरह से सूख जाए तो अपनी स्किन को नॉर्मल वाटर या ल्यूकवॉर्म वाटर के साथ वॉश कर लें। इसे लगाने के बाद हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और सर्दियों में मैं ये पैक ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इससे ड्राई स्किन की प्रॉब्लम भी नहीं आती। डाइट की अगर मैं बात करूं तो सर्दियों के मौसम में मैं ओमेगा 3 फैटी एसिड अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करती हूं क्योंकि ये भी हमारी स्किन को ड्राई होने से बचाता है। तो मैं अपनी डाइट में ऐड करती हूं फ्लैक्स सीड्स और वॉलनट्स। वॉलनट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं वॉलनट्स और इनके फ़ायदे भी बहुत ही ज़्यादा हैं। तो मेरी तरह आप भी कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट्स अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में हो। कोई भी सीज़न हो मैं अपनी स्किन पर सनस्क्रीन का इस्तेमाल रोज़ाना करती हूँ। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। आप अपनी पसंद की कोई भी सनस्क्रीन इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं यूज़ करती हूँ न्यूट्रोजिना अल्ट्राशीर की सनस्क्रीन और इसे मैं बहुत सारी वीडियोज़ में आपको रिकमेंड भी कर चुकी हूँ। ये मेरी स्किन को बहुत ही अच्छे से सूट करती है। ये हमारी स्किन को सनरेज से तो प्रोटेक्ट करती ही है और साथ ही साथ मॉइस्चराइज भी करती है। तो आप चाहे ये सनस्क्रीन यूज़ करें या फिर अपनी पसंद की कोई और, बट सनस्क्रीन इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर लगा सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।